हर जगह इन्हें अपने वफादार चाहिए। नेता, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर, ईडी, सीबीआई अफसर, इलेक्शन कमिश्नर, आरबीआई गवर्नर, जज, कल्चरल इंस्टीट्यूट्स के चेयरमैन, यूनिवर्सिटीज के वीसी, फिल्म मेकर, पत्रकार, क्रोनी सेठ, स्पिरिचुअल गुरु, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, हर जगह इनके लोग। किसी को धमका दो, किसी को गाली दो, किसी को डरा दो, तो किसी को गद्दार घोषित कर दो। और फिर नरेंद्र मोदी और उनके बृजभूषण सिंह, अजय मिश्रा, टैनी जैसे नेताओं के खिलाफ कोई ना बोल सके, सब कुछ चुपचाप सहो। यही वजह है जिसके कारण मैं कहता हूँ, मोदी नहीं, कोई भी और। कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति हो, जो लोगों के प्रति जवाबदेही हो, जो अहंकारी होने की बजाय विनम्र हो, जो एक्सपर्ट से सलाह करते हुए विवेकपूर्ण चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। जो गलत चले उसे सही राह पर लाया तो जा सके, जो शहंशाह ना माने खुद को। आंखें खोल लीजिए, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के संविधान को बचाना है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी को भी बचाना है इस तानाशाही से। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।